Hello guys, this is Vanilla. Welcome to exam time. Today we are going to learning about musical instrument digital interface. Okay, तो MIDI जो है बहुत ही important, बहुत 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 important है आपके exam के लिए. Multimedia में बहुत बार आता है, हर बार आता है MIDI क्या है, MIDI interface क्या होता है, MIDI message specifications of MIDI बहुत बार आता है, बहुत ही important है आपके exam के लिए. और computer graphics में भी MIDI आता है. ओके, तो ये ज़रूर पढ़िएगा आपके एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी बाद में MIDI के रिलेटेड. हाँ, तो इस वीडियो में सिर्फ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे MIDI की. ओके, तो MIDI होता क्या है. सबसे पहला चीज़, MIDI की फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. ये जो है ये बहुत बार MCQ में आता है कि MIDI फुल फॉर्म क्या है. तो ध्यान से पढ़िएगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है. कैसा प्रोटोकॉल, क्या करता है, क्या काम करता है. ये जो डिजिटल सिंथेसाइजर है, मतलब एक डिजिटल सिंथेसाइजर को दूसरे डिजिटल सिंथेसाइजर में कनेक्ट करता है. ठीक है, तो सिंथेसाइजर्स को कनेक्ट करता है MIDI डिवाइस. हाँ, ये सिर्फ डिजिटल सिंथेसाइजर को कनेक्ट नहीं करता, एक डिजिटल सिंथेसाइजर को कंप्यूटर से भी कनेक्ट करता है. तो ये एक प्रोटोकॉल है फॉर यूज फॉर कनेक्ट बिटवीन वन डिजिटल सिंथेसाइजर टू अनदर डिजिटल सिंथेसाइजर और वन डिजिटल सिंथेसाइजर टू डिजिटल कंप्यूटर. ओके, तो MIDI प्रोटोकॉल फॉर कनेक्टिंग डिजिटल सिंथेसाइजर टू ईच अदर और टू डिजिटल कंप्यूटर. ये बात क्लियर हुआ ना आपको. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है. नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. MIDI डिवाइस जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कोई बजाने की चीज़ नहीं है. ओके, ये एक म्यूजिकल इक्विपमेंट है. MIDI इज़ अ डिजिटल इंटरफेस, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डिजिटल इंटरफेस जो कि म्यूजिकल इक्विपमेंट के लिए. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द म्यूजिकल इंटरफेस, इट इज़ जस्ट फॉर द डिजिटल इंटरफेस. ये एक स्पेशल टाइप की डिजिटल इंटरफेस है फॉर म्यूजिकल इक्विपमेंट. सो इट इज जस्ट अ डिजिटल इंटरफेस, ये एक इंटरफेस होता है फॉर म्यूजिकल इक्विपमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है. इट इज़ द प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक. ये हम इतने तक क्या पढ़े, इतने तक पढ़े कि ये एक प्रोटोकॉल है और ये कनेक्ट करने में हेल्प करता है. किसको कनेक्ट करता है, डिजिटल सिंथेसाइजर्स को और डिजिटल सिंथेसाइजर टू कंप्यूटर से ये कनेक्ट करता है. लेकिन ये और भी, ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन है किस काम के लिए, ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक. कुछ चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए, प्लेइंग बैक करने के लिए ये डिवाइस काम करता है. ठीक है, तो इसका जो वर्किंग है, वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका जो वर्किंग पर्पस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है म्यूजिक के लिए, है ना. ये कनेक्ट भी करता है सिंथेसाइजर्स को, दो सिंथेसाइजर्स में कनेक्शन लाता है और कंप्यूटर को भी सिंथेसाइजर से कनेक्ट करता है. ओके, और ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि रिकॉर्डिंग करता है कुछ चीज़ और प्लेइंग बैक के लिए ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन है और यूज़ भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट बोल सकते हैं कि MIDI इज़ अ कनेक्शन स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा. तो ये, तो इसका और भी एक यूजेस है कि ये ऐसी कनेक्शन कनेक्टिंग स्टैंडर्ड है जो कि क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसको, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट डेटा को. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा मतलब वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट से हम गाना बजाते हैं, कुछ साउंड मेट करता है, मेकिंग कुछ साउंड मेकिंग करते हैं, है ना. तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट डेटा होता है उसको ट्रांसफ़र करता है MIDI. ठीक है, मतलब सिंथेसाइजर्स में जो साउंड है, साउंड वगैरह जो है, MIDI डिवाइस क्या करता है, वो साउंड मतलब एक इंस्ट्रूमेंट डेटा, हाँ, तो उसको दूसरे सिंथेसाइजर में ट्रांसफ़र कर सकता है और कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकता है एक MIDI डिवाइस. ओके, हम MIDI डिवाइस से ये सब काम कर सकते हैं. ठीक है ना.
तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि MIDI इज अ प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक म्यूजिक ऑन, यहाँ पर प्लेइंग बैक म्यूजिक होगा, ठीक है, म्यूजिक ऑन द डिजिटल सिंथेसाइजर दैट इज सपोर्टेड बाय पर्सनल कंप्यूटर साउंड कार्ड. ओके, तो ये जो रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक द म्यूजिक ये सब काम वो कर सकता है, ये किसके ऊपर करता है, ये ऑन द डिजिटल सिंथेसाइजर के ऊपर करता है जो कि सपोर्ट करता है कंप्यूटर साउंड कार्ड. ओके, पर्सनल कंप्यूटर की जो साउंड कार्ड होता है वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना. अच्छा, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू MIDI इज म्यूजिकल इन नेचर. ओके, तो ये म्यूजिकल जो इंफॉर्मेशन होता है तो इस म्यूजिकल इंफॉर्मेशन को हम MIDI डिवाइसेस ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना. अच्छा, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि MIDI सपोर्टेड बाई सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट. MIDI को, MIDI डिवाइस को बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट करता है. किस किस इंस्ट्रूमेंट इसको सपोर्ट करते हैं, ड्रम्स, बीट्स बॉक्स, इवन डिजिटल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, वायलेंस, ये सब इंस्ट्रूमेंट MIDI डिवाइस को सपोर्ट करता है. मतलब इंस्ट्रूमेंट जो डेटा होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डेटा मतलब गाना साउंड, ओके, इसको वो ट्रांसफर करने के लिए हम MIDI डिवाइस यूज़ करते हैं. कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, एक सिंथेसाइजर से कंप्यूटर को, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक सिंथेसाइजर से एक सिंथेसाइजर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट डेटा को, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की साउंड कार्ड उसको सपोर्ट करता है. हाँ, एक ड्राइंग दिखा दूँ मैं आपको, ड्राइंग, मेरा ड्राइंग कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरे नोट में आपको सुंदर सा ड्राइंग दिखेगा. अच्छा, ये क्या है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस की एक ड्राइंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया. ये पूरा MIDI नहीं है, यहाँ पर एक चीज, एक डिवाइस है जिसका नाम MIDI है, और ये यहाँ पर कैसे काम करता है वही मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है. तो ये जो चीज़ है ये, इसका नाम दे देते हैं मिक्सचर. मिक्सर क्या है ये आपको पता है, हाँ, गाना में मिक्सर यूज़ होता है, आप जानते हो. अच्छा, ये जो है ये सिंथेसाइजर, मान लो ये सिंथेसाइजर है, ठीक है, सिंथेसाइजर ऐसा नहीं दिखता, जस्ट मैंने स्क्वायर बॉक्स से जस्ट रिप्रेजेंट किया. ओके, अच्छा, ये जो है ये MIDI इंटरफेस है, ठीक है, सॉरी, MIDI इंटरफेस, और ये जो है ये कंप्यूटर है मेरा. कंप्यूटर में साउंड कार्ड होता है आप जानते हो, जो कि सपोर्ट करता है MIDI इंटरफेस को, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो सिंथेसाइजर है, सिंथेसाइजर से तार निकला है, यहाँ पर दो तार निकला है जो कि कनेक्ट है मिक्सर से, ठीक है. फिर सिंथेसाइजर में जो ये इन है, ठीक है, सिंथेसाइजर में ये साइड, सॉरी ये साइड नहीं, ये इन है एंड ये आउट है. ओके, जो यहाँ पर आया वो इन होता है और यहाँ से जो गया वो आउट होता है. तो सिंथेसाइजर में ये बटन इन है, ये बटन आउट है, ठीक है. तो सिंथेसाइजर में जो इन होता है उसका आउट जो है वो ये है, ये कुछ नहीं, हाँ ये गलत हो गया, उसका आउट जो है ये है और उसका इन जो है ये है. ठीक है, तो इसका इन, इसका आउट, इसका इन, इसका आउट, ठीक है, ऐसा कनेक्शन होता है सिंथेसाइजर के साथ MIDI डिवाइस का. हाँ, और MIDI डिवाइस से कंप्यूटर भी कनेक्ट होता है डायरेक्टली, ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन होता है. हाँ, तो मिक्सर के साथ सिंथेसाइजर कनेक्टेड है, सिंथेसाइजर में जो इनपुट आता है उसका आउटपुट जाता है MIDI इंटरफेस में, और MIDI इंटरफेस में जो इनपुट होता है वो उसका आउटपुट जाता है, आउटपुट कनेक्ट होता है सिंथेसाइजर के इन के साथ, ठीक है. मतलब यहाँ पर सिंथेसाइजर में जो आउट गया वो MIDI इंटरफेस में इन हो गया, और MIDI इंटरफेस में जो आउट आ रहा है वो है सिंथेसाइजर में इन,
ठीक है, और MIDI इंटरफेस कंप्यूटर में के साथ कनेक्टेड है, ये जो ग्रीन गया, ठीक है। अच्छा, तो मेरा जो ब्लू जैसा तार आपको दिखाई दे रहा है वो है ऑडियो, मेरा जो रेड जैसा तार आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है MIDI, और ग्रीन जैसा कुछ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो यूएसबी का जो तार होता है वो, और ग्रीन और रेड जैसा रेड जो तार है वो MIDI इंटरफेस का है, और ब्लू जैसा जो है वो ऑडियो का है, ठीक है। अब MIDI डिवाइस क्या है, डेटा इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, बहुत ही इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन, मतलब प्रेसिंग अ सिंगल की ऑन अ सिंथेसाइजर ट्रांसमिट्स ऑन द नोट प्ले द वेलोसिटी एंड द हाउ लॉन्ग द नोट इज हेल्ड, ठीक है। तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन मैंने बोला, यहाँ पर वेलोसिटी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है, वेलोसिटी की जो इंफॉर्मेशन होता है, वेलोसिटी मतलब हाउ हार्ड द नोट इज प्रेस्ड, मतलब एक नोट हाउ हार्ड द नोट इज प्लेड, ओके, तो ये है वेलोसिटी, एंड द हाउ लॉन्ग द नोट इज हेल्ड, ये सब की इंफॉर्मेशन क्या करता है, MIDI रखता है, ठीक है, ओके। तो ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, हाउ हार्ड द नोट इज प्रेस्ड, हाउ लॉन्ग द नोट इज हेल्ड, ओके, इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये इंक्लूड करता है। फिर क्या हम बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि इफ मल्टीपल नोट्स आर प्लेड एट वंस द MIDI डेटा इज ट्रांसमिटेड फॉर ऑल द नोट साइमल्टेनियसली, ओके। तो नोट क्या है मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज में, तो इफ मल्टीपल नोट्स आर प्लेड, अगर बहुत सारा नोट्स एक साथ प्लेड है, इसका मतलब द MIDI डेटा जो है इज ट्रांसमिटेड फॉर ऑल द नोट साइमल्टेनियसली, ओके। MIDI इंफॉर्मेशन टेल्स अ सिंथेसाइजर, ये MIDI का जो इंफॉर्मेशन होता है ये सिंथेसाइजर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंथेसाइजर को, कि व्हेन टू स्टार्ट एंड स्टॉप प्लेइंग अ स्पेसिफिक नोट, कब एक नोट को स्टॉप करना चाहिए, कब एक नोट को स्टार्ट करना चाहिए, ये बोलता है। इट कैन ऑल्सो टेल्स अ सिंथेसाइजर टू चेंज साउंड, मास्टर वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन डिवाइस, इवन हाउ टू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये सब वो सिंथेसाइजर को बोलते हैं कि एक नोट कहाँ कब स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो MIDI इंफॉर्मेशन सिंथेसाइजर को क्या बोलते हैं, व्हेन अ नोट स्टॉप स्टार्ट, ये बोलते हैं, ठीक है। एंड और क्या बोलते हैं, मास्टर वॉल्यूम क्या होगा, मॉड्यूलेशन डिवाइस क्या होंगे, इवन हाउ टू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये सब बोलते हैं, ठीक है। ये सब मैंने नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको नोट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ इट प्रोवाइड कॉम्पैक्टनेस एज इन मैनिपुलेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द नोट, ये प्रोवाइड करता है कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस मतलब आप जानते हो कि ये बहुत ही स्मॉल है, MIDI फाइल जो है ये साइज में बहुत छोटा होता है, ज़्यादा जगह नहीं लेते मेमोरी में, एंड एज इन मैनिपुलेशन में हेल्प करता है, और मॉडिफिकेशन भी, नोट का जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। MIDI इंटरफेस जो होता है कम इन मेनी डिफरेंट साइजेस, मार्केट में MIDI डिवाइस बहुत ही डिफरेंट साइज में आया है, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, ये प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, कैपेबिलिटीज एंड प्राइस रेंज, ओके। मार्केट में बहुत डिफरेंट साइज में, कैपेबिलिटीज में, प्राइस रेंज में आया है, एंड सिंपल इंटरफेस हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, ठीक है। सिंपल एक इंटरफेस MIDI इंटरफेस में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, जो कि प्रोवाइड करता है मोर मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन, ओके, ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरी MIDI की पूरी ट्यूटोरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है मल्टीमीडिया में ताकि आपको अच्छी मार्क्स मिले, तो उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिलो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।